subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम देखेंगे नेचुरल गैस के एनालिसिस फॉर नेक्स्ट वीक। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में नेचुरल गैस बंद हुआ है 642 पे, लगभग 7 रुपीज लॉस के साथ 1% नीचे। तो हम शुरू करते हैं मंथली चार्ट से। तो मंथली चार्ट पे देखोगे लास्ट मंथ हमने रैली देखी थी लगभग 43-44% की। और जो जैसे मैंने कहा था ये मोमेंटम रैली है, हमने एक अच्छे खासे गेन देखे, उससे भी ज़्यादा गेन देखे, मगर बंद हुए लगभग 43.56% गेन के साथ। हमने फ्रेश हाई देखा था लगभग 760 रुपीस का, जो ऑल टाइम हाई है नेचुरल गैस के लिए। और यहाँ जैसे मैंने कहा था 620 के ऊपर जो है तो नेचुरल गैस सुपर बुलिश ट्रेंड में रहेगा। हो सकता है इसी महीने भी हम जो है तो वो ट्रेंड कंटिन्यू कर सकते हैं। यहाँ जो है तो 620 के ऊपर जो है नेचुरल गैस में लॉन्ग पोजिशन ही बनानी है। ये हाई रिस्क ट्रेड रहेंगे क्योंकि यहाँ वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है। अभी इसका बेस भी बढ़ चुका है, तो इसका 1% लगभग 7 रुपये के करीब हो चुका है। और लॉट साइज उतनी 1250 की, तो मतलब आपका जो है तो 1% में ही आप देखोगे तो लगभग बनता है 9 से 10 हज़ार रुपये का। तो 1% में ही 9-10 हज़ार रुपये का आपको लॉस बैठ जाता है अगर पोजिशन आपके अगेंस्ट जाती है। तो इसके वजह से रिस्क जो है तो सब्सटेंशियली बढ़ चुकी है नेचुरल गैस में। मगर मोमेंटम अभी भी जो मुझे लगता है वो बुलिश साइड पे है, और हमें जो है तो फिर से नए हाई, और हो सकता है कि जो मेरे टारगेट थे ऊपर के सुपर बुलिश जो 900 और 1000 के अराउंड थे, तो वो भी टारगेट नेचुरल गैस दिखा सकता है अगर 620 का लेवल वो होल्ड करता है। तो मंथली चार्ट पे इसी मंथ में हम जो ट्रेड कर रहे हैं फ्लैग पॉजिटिव ट्रेड कर रहे हैं यहाँ जो है तो अभी तक, और 620 के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। तो इसके वजह से यहाँ जो आउटलुक रहेगा वो भी बुलिश साइड रहेगा, मगर रिस्क जो है तो बहुत सब्सटेंशियल रहेगी। अभी देखते हैं वीकली चार्ट। तो वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आप देख सकते हो लास्ट वीक जो है तो हमने 2.5% का लॉस देखा था, मगर उससे पहले जो है तो 3 वीक में लगभग नेचुरल गैस जो है तो 440 से लगभग 760, तो लगभग हमने 70-80% की रैली हुई है 3-4 हफ्तों में ही देख ली है। क्योंकि आप अगर देखोगे कैलकुलेट करते हैं 760 माइनस 440 320 डिवाइड बाय 440 से स्टार्ट हुआ था ये रैली, तो 72% की रैली थी। और 4 हफ्तों में हमने एक अच्छे खासे गेन, अगर ये 72% नेचुरल गैस प्राइसेस पे है तो फ्यूचर पे आप एक्सपेक्ट कीजिए कितने गेंस हुए होंगे जिन्होंने ये निचले लेवल पे नेचुरल गैस बॉन्ड बाय किया होगा। अभी यहाँ जो है तो 620 के ऊपर जब तक वीकली और डेली क्लोजिंग बेसिस पे है नेचुरल गैस, लॉन्ग व्यू रहेगा, आपके जो टारगेट रहेंगे वो 730 से लेकर 800 के आप टारगेट रख सकते हो। 620 के अराउंड आपको वॉच करना है, वहाँ से रिवर्सल पैटर्न बनते हैं तो आपको लॉन्ग जाना है विथ अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। टारगेट रहेंगे 730, उसके बाद में 800 के टारगेट आप लेकर चल सकते हो एज पर वीकली चार्ट। 620 के नीचे जो है तो करेक्टिव पैटर्न स्टार्ट होंगे, और फिर आपको फिर से जो है तो करेक्शन आते हुए दिखेगा नेचुरल गैस में, जिसके टारगेट रहेंगे 500 से लेकर 450 के टारगेट नेचुरल गैस दिखा सकता है। मगर फिलहाल के लिए वैसे कुछ जो प्राइस एक्शन या फिर प्राइस पैटर्न नहीं दिख रहे, मोस्ट प्रोबेबली हम जो है तो ऊपर ही जाने वाले हैं, और ये एक दिक्कत भरी बात हो सकती है क्योंकि नेचुरल गैस का जो डिमांड है वो बहुत बढ़ चुका है ऑल ओवर द वर्ल्ड ड्यू टू सप्लाई क्रंच, जो रशिया की तरफ से सप्लाई क्रंच आ रहा है और यूरोप में इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। तो ये फंडामेंटली भी सपोर्ट करता है प्राइसेस को, और हो सकता है कि हम एक रिकॉर्ड हाई लेवल की तरफ बढ़ सकते हैं आने वाले मीडियम टू लॉन्गर टर्म में, जिसका जो टारगेट रहेगा वो 900 से 1000 तक की भी टारगेट आपको नेचुरल गैस में आते हुए दिखेंगे। तो वीकली चार्ट पे क्लियर कट बुलिश सिग्नल है, टारगेट 730 से लेकर 800 है। अभी देखते हैं डेली चार्ट। तो डेली चार्ट पे आप देख सकते हो कि नेचुरल गैस पे जो है तो करेक्शन लेने के बाद पी आउट के अराउंड सपोर्ट लेने के बाद अभी बाउंस बैक कर रहा है, तो यहाँ क्लियर कट बेस बना रहा है अगले मूव के लिए। तो जब तक नेचुरल गैस 590-600 के ऊपर है एज पर डेली चार्ट, आपको लॉन्ग व्यू बना के रखना है। 590 के नीचे ही आपको जो है तो ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा, जब तक ये 590 के नीचे नहीं जाता है तब तक आपको लॉन्ग के ही ट्रेड यहाँ ढूंढने हैं।
आपके जो टारगेट रहेंगे 735 800 और उसके बाद में 950 के भी टारगेट आपको नेचुरल गैस में आते हुए देख सकते हैं। तो यहाँ जब तक ये 590-600 का लेवल नहीं तोड़ता है आपको बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी यूज़ करनी है। पहला शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा 735, उसके बाद में 800 रुपये का और लास्ट में 950 का भी टारगेट आपको नेचुरल गैस दिखा सकता है। तो ये यहाँ जो है, तो जिन्होंने भी निचले लेवल पे बाय किया होगा तो उनके लिए सलाह रहेगी कि आपका जो स्टॉप लॉस है आप ट्रेल कर लीजिए 620 या 610 के अराउंड, और जो टारगेट है वो 735, 800 और 950 के रखिए। यहाँ मेरा क्लियर कट व्यू रहेगा बाय ऑन डिप स्ट्रैटेजी, टारगेट 735, 800 और 950 के। डेली चार्ट पे अच्छी खासी एक बाइंग का जो है तो मौका दिख रहा है, और यहाँ जो भी करेक्शन आएंगे 600 के अराउंड उनको बाय करना है विद अ स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। स्टॉप लॉस बहुत छोटा रहेगा, टारगेट बहुत बड़े यहाँ, तो एक 10-15 या 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस है और टारगेट जो है तो 100-150 रुपये के या उससे भी बड़े टारगेट है। अगर आप 950 के लेवल के लिए होल्ड करेंगे तो एक अच्छे खासे ऊपर की तरफ आपको टारगेट दिखाई दे सकते हैं। तो शॉर्ट टर्म पे डेली चार्ट पे बुलिश व्यू, टारगेट 735, 800 और उसके बाद में 950। यहाँ भी वीकली चार्ट पे जब तक ये 620 के ऊपर है बाइंग के ही मौके ढूंढेंगे, टारगेट 730 और उसके बाद में 800। मंथली चार्ट पे यहाँ जो है तो आपको फ्रेश हाई भी देखने को मिल सकता है जो 900 से लेकर 1000 के अराउंड रह सकता है नेचुरल गैस में। तो यहाँ भी मेरा बुलिश व्यू रहेगा जब तक ये 620 का लेवल होल्ड करता है वीकली और मंथली क्लोजिंग बेसिस पे। तो हमने तीनों चार्ट देखे हैं, तीनों चार्ट पे भी नेचुरल गैस जो है तो बाइंग के ही मौके दिखा रहा है, तो यहाँ लॉन्ग साइड पे रहना ज़्यादा प्रॉफिटेबल रहेगा। सो आई होप सो कि जो एनालिसिस है ये आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। तो प्लीज़ दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप मेरे साथ जुड़ना चाहते हो, जो श्योर शॉट कमोडिटी कॉल है उसका सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो आपको लिंक्स डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहाँ जाइए ज्वाइन कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।